हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कॉलेज से जो नोटिस आया एडमिशन फ़ीस पेमेंट कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम में जाना है। आपको बता दें एडमिशन फ़ीस और ट्यूशन फ़ीस जो है सेम है। तो चलिए क्रोम में आए, क्रोम में सर्च करना है आपको बोंगवासी मॉर्निंग कॉलेज। बोंगवासी मॉर्निंग कॉलेज सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह खुल जाएगा, इसमें क्लिक कीजिएगा। करने के बाद आपके देखिए इस तरह आया पेज। पेज आने के बाद ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट में क्लिक कीजिएगा। करने के बाद यहाँ पर आपको करना है स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन में देखिए यहाँ आपसे पूछेगा आईडी और पासवर्ड। आईडी या पासवर्ड आपको पता नहीं है तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ फाइन डिटेल, यहाँ पर जो येलो करके उसमें आपका नाम लिखिएगा। उसका ऊपर में ऑल कोर्स में आपका स्ट्रीम लिखिए, जैसे मेरा बीकॉम जनरल है, बीकॉम जनरल। उसके बाद देखिए यहाँ शो में क्लिक कीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा देखिए स्टूडेंट आईडी, आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका रोल नंबर, उसका जो भी स्टूडेंट आईडी है वही पासवर्ड है। तो स्टूडेंट आईडी को कॉपी करते हैं और स्टूडेंट आईडी में पेस्ट करते हैं और पासवर्ड में भी यही दीजिएगा। देने के बाद यहाँ साइड में लॉगिन है, लॉगिन में क्लिक कीजिएगा, खुल जाएगा। आप लोगों को बता दें आईडी और पासवर्ड जो है सेम रहने दीजिएगा, चेंज मत कीजिएगा। चेंज करते हैं तो आपको बाद में जाके दिक्कत होगा। उसका देखिए यहाँ तीन नंबर में शो हो रहा है फीस ट्रांजेक्शन। फीस ट्रांजेक्शन में क्लिक करने के बाद एक नंबर में पे फीस ऑनलाइन, इसमें क्लिक कीजिएगा। करने के बाद यहाँ छोटा सा डब्बा, इसमें क्लिक कीजिएगा और कौन सा सेमेस्टर का पेमेंट कर रहे हैं। जैसे हम सेम थ्री का कर रहे हैं तो सेम थ्री, और कौन सा तो एडमिशन फ़ीस कर रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने इस तरह आ जाएगा, ऊपर में भी शो होगा थर्ड सेमेस्टर का पेमेंट कर रहे हैं, एडमिशन फ़ीस और कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, जी मेल आई डी और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिएगा। 144 लिख दीजिएगा तब भी काम चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ देख लीजिएगा टिक किया हुआ है कि नहीं। उसका देखिए आगे सबसे पहले आप चेक कीजिएगा फीस सही है कि नहीं। देखिए 6120, हाँ सही है, जैसे मेरा बीकॉम जनरल का इतना ही है। उसका यहाँ ऑप्शन आ रहा है पे का ऑप्शन आ रहा है, तो पे में क्लिक करते हैं। पे में क्लिक करते बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। उसका देखिए आपके सामने चैट खुलेगा कि किससे पेमेंट करना चाहते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजोन पे। तो हम फ़ोनपे से करना चाहते हैं, फ़ोनपे पर क्लिक कीजिएगा। आपको बता दें जब भी UPI से पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड से करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है GST। तो जैसे मेरा 11.80 रुपये लग रहा है, इसलिए से कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा। जैसे आप फोन पे पर क्लिक किए हैं तो डायरेक्ट फोन पे में चल जाएगा, गूगल पे में किए हैं तो डायरेक्ट गूगल पे में चल जाएगा। तो आप फोन पे में किए हैं, चलिए देखिए मेरा फोन पे आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पेमेंट कर देना है। फिलहाल हम पेमेंट नहीं करेंगे, बट आप लोगों को बता दे रहे कि इस तरह करना है। पेमेंट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, एक ग्रीन कलर का पेज आएगा, सेवन सेकेंड का आपको वेट करना है। उसके बाद आपके सामने चलान आ जाएगा। चलान कहाँ से चेक करना है भी बता दे रहे, फीस ट्रांजेक्शन में जाइए, उसका पेमेंट हिस्ट्री में जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आप जितना भी कॉलेज को पेमेंट किए हैं यहाँ सारा शो होगा, देख लीजिए। अगर शो नहीं होता है तो 48 आवर्स वेट कीजिएगा, 48 आवर्स के बाद फिर से चेक कीजिएगा। अगर आ जाता तो सही, और नहीं आता है तो एक बार ऑफिस में कॉन्टैक्ट कीजिएगा, नहीं तो हम लोग के पास आइएगा, हम लोग भी देख लेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपने से पेमेंट कर सकें।